फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज बूस्टर सर्किट क्या है। इस वीडियो में मैं बेसिकली तीन टॉपिक्स को कवर करूंगा। फर्स्ट, वोल्टेज बूस्टर सर्किट क्या है। सेकंड, वोल्टेज बूस्टर सर्किट में हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। और थर्ड, वोल्टेज बूस्टर सर्किट को हम कैसे काम में ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वोल्टेज बूस्टर सर्किट के बारे में बात करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चलने के लिए अलग अलग वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो वोल्टेज बूस्टर सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसके इनपुट में अगर हम कोई वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में उसका वोल्टेज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस वोल्टेज बूस्टर सर्किट में इनपुट में एक 3.7 वोल्ट का बैटरी लगाया है तो आउटपुट में हम उस 3.7 वोल्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और वैसे ही कोई भी चार्जर कुछ भी अगर हम लगाए तो उसके वोल्टेज को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यह है एक वोल्टेज बूस्टर सर्किट। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर मेनली होता है एक साइड पे इसका इनपुट पॉइंट, यहाँ पे होता है इनपुट प्लस और इनपुट माइनस, यहाँ से हम जो हमारा वोल्टेज है वो देंगे और जो वोल्टेज हम बढ़ा के लेंगे वो हम इसके इस आउटपुट पॉजिटिव और आउटपुट नेगेटिव, ये तो जो पॉइंट है इन पॉइंट के मदद से हम वोल्टेज को बढ़ा के लेंगे। लेकिन वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे कैसे, वोल्टेज को हम बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक प्रीसेट है, इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके ऊपर जो स्क्रू है उसको हम घुमाएंगे। इस स्क्रू को घुमाने से वोल्टेज बढ़ेगा या कमेगा इसको हम चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके इनपुट में एक 3.7 वोल्ट का डिचार्जेबल बैटरी लगा दिया है। बैटरी के पॉजिटिव को इनपुट पॉजिटिव में और नेगेटिव को इनपुट नेगेटिव में दे दिया है। अब हम इसका आउटपुट पहले चेक करेंगे, इसके लिए हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसका इनपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज है 3.65 और आउटपुट वोल्टेज है 3.41, यानी कि इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज कम है। बैटरी ज्यादा चार्ज नहीं है इसलिए इसका इनपुट वोल्टेज 3.65 दिखा रहा है। अभी मैं स्क्रू ड्राइवर ले लूंगा और स्क्रू ड्राइवर से इसका जो प्रीसेट है उसके ऊपर जो स्क्रू है उसको मैं घुमाऊंगा। इसको घुमाने से वोल्टेज कम या ज्यादा होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं इसको एक डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में वोल्टेज कम होगा। अब मैं इसको दूसरे डायरेक्शन में घुमाऊंगा, आप देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज 5 वोल्ट हो गया, अब ये 6, 7 ऐसे करके इसका वोल्टेज बढ़ रहा है। और इस स्क्रू को दूसरे तरफ घुमाने से वोल्टेज घटेगा। वोल्टेज कम या ज्यादा करके हम करेंगे क्या, इसको दिखाने के लिए मैंने ले लिया है सबसे पहले 3.7 वोल्ट का एक एलईडी और एक 12 वोल्ट का। अभी कनेक्शन करने के लिए मैंने ऐसा एक वायर ले लिया है। इस वायर को सबसे पहले हम हमारे बूस्टर सर्किट के आउटपुट का जो दो पॉइंट है पॉजिटिव और नेगेटिव वहाँ पे कनेक्शन करेंगे और इसके बाद सबसे पहले हम जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम 3.7 वोल्ट के आसपास करेंगे, क्योंकि हमारा जो पहले वाला एलईडी है वो 3.7 वोल्ट से ही जलता है। अभी मैं 3.7 वोल्ट एलईडी ले लूंगा और उसके साथ वायर्स को कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारा एलईडी अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। अभी मैं जो ये सेकेंड वाला एलईडी है जो 9 वोल्ट से 12 वोल्ट तक जलता है इसको मैं इसके साथ कनेक्शन कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारा एलईडी नहीं जल रहा है क्योंकि वोल्टेज अभी है 3.7। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि 7 वोल्ट आने के बाद हमारा एलईडी ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे जब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो हमारा एलईडी भी ग्लो करना बढ़ा रहा है, 12 वोल्ट तक ये अच्छी तरह से ग्लो कर जाएगा। हमारा एलईडी इतना ग्लो कर रहा है कि हम मीटर का जो रीडिंग है वो हम नहीं देख पा रहे, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो वोल्टेज है उसको 12 वोल्ट पर सेट करूँगा फिर एलईडी को कनेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट पर हमारा एलईडी बहुत अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। इस सर्किट की मदद से आप मोटर्स को भी चला सकते हैं, 3 वोल्ट का मोटर और ये 6 वोल्ट का मोटर। आप इस 3.7 वोल्ट के बैटरी से इस बूस्टर सर्किट की मदद से इस मोटर को फुल स्पीड पे घुमा सकते हैं और आप 12 वोल्ट का मोटर भी इस सर्किट की मदद से चला सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हम इस बूस्टर सर्किट की मदद से सबसे ज्यादा कितना वोल्ट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस प्रीसेट को घुमा रहा हूँ और वोल्टेज बढ़ रहा है, हम इसको इसके हाईएस्ट वैल्यू तक ले जाएंगे।
देख सकते हैं वोल्टेज 20 पे आ गया, अभी वोल्टेज 30 पे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज 39 के बाद ये नहीं बढ़ रहा है, तो हम इससे हाईएस्ट 39 या 40 वोल्ट तक ले सकते हैं। वीडियो में मैंने जस्ट ये वोल्टेज बूस्टर सर्किट कैसे काम करता है ये आपको बताया है। आगे चल के वीडियो में मैं इस वोल्टेज बूस्टर सर्किट की मदद से चीजें बना के आपको दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।